मेहरबान और शफ़ी खुदावंद खुदा, तूने अपने करम से हमें ये चीज़ें बख्शी हैं ताकि हम इन्हें तेरी नज़र कर सकें। तू अपनी कुदरत से इन्हें हमारी निजात का पुरमायनी और मौसर ज़रिया बना देता है। बस हमसे राज़ी होकर अपनी कलीसिया के ये हदीये कबूल फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाक़ वाजब और नहायत मुनासिब है कुदूस बाप के हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीला से तेरा शुक्र अदा करें। वो तेरा कलमा है, उसी कलमा के ज़रिए तूने सब कुछ बनाया, तूने उसे भेजा कि हमें छुड़ाए और बचाए। वरूल कुदस की कुदरत से इंसान बना और कुमारी मरियम से पैदा हुआ। उसने तेरी मर्ज़ी पूरी करके दुख सहते वक्त अपने हाथ फैलाए ताकि मौत को तबाह करे और क़यामत को ज़हूर मिलाए। इसलिए हम फरिश्तों और सब मुकद्दसों के साथ हम आवाज़ होकर ये कहते हुए तेरा जलाल जाहिर करते हैं, कुद्दूस कुद्दूस कुद्दूस। खुदा उन लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आलम बला पर होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आलम बला पर होशना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कुद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने ये रोटी और मैं पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यसु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर दो को दी कि तुम सब इसमें सुलो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह खाने के बाद उसने मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया, तुम सब इसमें सुलो और पियो, नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, बस बाप हम तेरे बेटे के मर्ज़ी ज़िंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इबादत करे। हम आजिज़ी के साथ इल्तजा करते हैं, बख्श दे के हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस अवध, हमारे बिशप जोसेफ अरशद और तमाम काहिनों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, से काम मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज तमाम मरहूमों को अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, तमाम मुकद्दसों और रसूलों के साथ जो इस जहान में तेरी मर्ज़ी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदावंद यसु मसीह के वसीला से तेरी हमद व सना कर सके। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुद्दस की वहदानियत में कामिल इज़्ज़त व तआज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। आज हम मिलकर पूरे भरोसे के साथ खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात जारी, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हुए सब बदियों से बचा इन दिनों में सलामती वक्त, ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। ऐ खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और सुबह सलाम तेरे तहाद बख्श जो तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है।
खुदावंद की सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आज हम एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बर्रे, तू जहान के गुनाहों को ठाले जाता है। अजीज़ों, ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस बरे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। मसीह का बदन और खून हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे।